नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत पहले से ही आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो रिजल्ट है वो दोस्तों क्या है कि काफ़ी समय से डिले होते हुए आ रहा है, वरना अब तक जो है हमारा रिजल्ट आ भी गया होता। तो अभी दोस्तों जो आपका मूल्यांकन है कॉपीज़ का वो पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं के परिणाम मतलब जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब आएगा उसके बारे में बता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और आपका रिजल्ट के लिए कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं और भी सारी चीज़ें आपके लिए बताऊँगा आपके रिजल्ट से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम 27 जून को आएंगे, ठीक है। तो 27 जून के लिए जो है आपकी वो आपकी उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के जो रिजल्ट है वो आने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बता दिया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 27 जून को आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया कि आपके जो भी एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा, 27 जून के लिए, ठीक है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि 10वीं के 30,24,632 व इंटर के 25,86,440 परीक्षार्थी सहित बोर्ड में कुल 56,11,072 पंजीकृत हुए थे। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में पंजीकृत परीक्षार्थियों में 16,62,334 छात्र व 13,62,298 छात्राएं मौजूद हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने बताया है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 27 जून को आएगा। तो आपके रिजल्ट की दोस्तों जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है, अभी आपके लिए कहीं पर भी पता करने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको 27 जून की जो है वो केवल इंतजार करना है और उम्मीद करते हैं रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा आपका 27 जून के लिए। अभी मैं आपके लिए ये भी बता देना चाहता हूँ आगे की वीडियो में कि आप जो रिजल्ट आएगा वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर आपके आपको आसानी से रिजल्ट मिल सकता है। वैसे दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आएगा तब मैं अपने चैनल पर लाइव आऊँगा और आपसे आप अगर चाहें कि मैं आपका रिजल्ट खुद बताऊँ तो आप अपना रोल नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन भी आप मुझसे अपना रोल नंबर भेजकर अपना रिजल्ट मेरे द्वारा जान सकते हैं। तो मैं लाइव आऊँगा, जिससे क्या होगा कि आप अपना रोल नंबर भेजते रहना और मैं आपका रिजल्ट आपके लिए बताता रहूँगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में जान लेते हैं कि आपको रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो रिजल्ट चेक कैसे करें दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके लिए इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर 27 जून के लिए आप अपना रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट है दोस्तों upmsp.edu.in, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर जाकर ये उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप अपना 10th क्लास और 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। और इस बार दोस्तों जो 10th और 12th का रिजल्ट होगा वो एक ही दिन आएगा, 27 जून के लिए। पहले क्या होता था कि 12th क्लास का रिजल्ट एक दो दिन पहले आ जाता था और 10th क्लास का एक दो दिन बाद में आएगा, लेकिन इस बार दोस्तों काफ़ी डिले रिजल्ट पहले से ही हो चुका है, जिसके कारण क्या है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो केवल 27 जून को ही आएगा और दोनों रिजल्ट एक साथ आएंगे। तो होगा क्या, जो एकदम से जब काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के अपने रिजल्ट का इंतजार है तो एकदम से सब 27 जून के लिए क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, वो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकती है, जिसके कारण वो वर्क करना बंद हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपका मैं बताऊँ तो आप क्या करेंगे कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के उसमें कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और व्हाट्सअप नंबर कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि मैं आपके लिए आपका रिजल्ट डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों,
कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।